अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सर्किट हाउस के एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था 2014, 2017, 2019 में देश के सबसे बड़े गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश में आपने 64 सीटें हमें जिता के दिया। श्री अखिलेश यादव जी, आप मेरी लाल के हसीन सपने देखिए, आपको देखने से ना तो जनता रोक सकती है ना केशव प्रसाद रोक सकता है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्या कोई गुंडागर्दी की सरकार को वापस लाना चाहेगा? क्या कोई भ्रष्टाचार करने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में चाहेगा? क्या विकास में आने के लिए आने वाले पैसे को जो अपने तिजोरियों में लेकर के जमा कर लेते थे ऐसा दिन देखना चाहेंगे क्या? मेरा कोई 2017 और 2019, 2014 2017 तो आपको याद है, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा भी बसपा भी और लोक दल भी, ये तीनों दलों का गठबंधन था कि नहीं, याद है कि नहीं याद है? तीनों दलों के गठबंधन के बाद 51% वोट उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, कमर का फूल खिला और 2014 से भी ज्यादा केंद्र में सरकार बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें समर्थन मिला। 300 से अधिक सांसद जीत करके दिल्ली गए और 370 सदा सदा के लिए विदा हो गए। यहाँ की 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, कई नए मार्गों के निर्माण किए जाने की घोषणा हुई है। एक तरह से 2 महीने के अंतराल में ही, जब मैं पिछली बार आया था तो 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था और आज किस्त लगभग 450 करोड़ अर्थात लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाएं अकेले मेरठ मंडल के खाते में मैं 2 महीने के अंदर दे चुका। यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से लगातार विकास करना हमारी सरकार का संकल्प है। हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना हमारा संकल्प है, हर ब्लॉक को तहसील से जोड़ना संकल्प है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का संकल्प है, राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भी कई प्रकार की परियोजनाएं मेरठ मंडल में चल रही हैं, प्रदेश में चल रही हैं। लगभग 2000 की संख्या में लघु दीर्घ सेतुओं का निर्माण किए हैं, कई रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए हैं। जो काम सपा बसपा की सरकार अधूरा छोड़ के गई थी उसे भी पूरा करने का काम किए हैं। हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास। 2022 के चुनाव जैसे जैसे अब निकट आ रहे हैं, हमारे विपक्षी साथी भी बहुत सारे तमाम प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन या मैं मेरठ की धरती से या क्रांति की भूमि से या पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूँ, जितनी बड़ी विजय 2014, 17 और 19 में हमें मिली है, सारे विरोधी दल एक साथ हो जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे, गुंडागर्दी की वापसी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार की वापसी नहीं होने देंगे, जातिवाद की वापसी नहीं होने देंगे, हम विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। ऐसा नहीं, देखो आप जो कह रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि हर सड़क हमारी एकदम पूरा एक्सप्रेस वे बन गया है, उसको लगातार बनाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले और 2017 के बाद शहर हो या गांव हो या प्रदेश का कोई जिला, एक अमूलचूल परिवर्तन आया, विकास की एक गंगा बह रही है पूरे प्रदेश के अंदर। आम जनता ही नहीं, विरोधी दल के विधायक से भी आप कैमरा आप बात करेंगे, बिना पत्रकार बताए बात करेंगे, वह कहेंगे कि नहीं, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे विरोधी दल का विधायक सांसद है चाहे सत्ता पक्ष का विधायक सांसद है, हमने कोई भेदभाव किए बगैर सबका विकास किया है, कर रहे हैं और करते रहे। किसान आंदोलन
तो शुद्ध रूप से चुनाव आंदोलन, किसान आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसी पार्टियां वो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के हित में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उतना काम ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, प्रलोकदल जो भी है सब मिल करके मिलेगी। निश्चित तौर से देखिए, गोरखपुर में जो घटना घटी है उसके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ जरूर यहाँ कह रहा हूँ कि कोई 10, 20, 25, 50 पुलिसकर्मी कोई गलती करते हैं तो सारे पुलिस विभाग को आलोचना के घेरे में नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा काम प्रदेश की पुलिस ने किया है, जो गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रेम खराब हो गया हस्तिनापुर में, मुझे ऐसा बताया जाता है, मैं तो जानता नहीं था, कि जिस पार्टी का विधायक हस्तिनापुर से जीतता है उस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है, तो इसीलिए मंत्री हस्तिनापुर का मिनिस्टर बन गया है। इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है, सबको अवसर देना, सबको सम्मान देना, सबको स्थान देना, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में भी प्रदेश में भी प्रयास रहा है। इस प्रयास से सपा, बसपा, कांग्रेस को मिर्ची जरूर लगी है, वो जो नए मंत्री बने उनको बधाई देने की जगह भाजपा की आलोचना करने लगे। अरे पहली बार कोई मंत्री बना तो उसको बधाई देना चाहिए, और बधाई देने के बाद अगर भाजपा की आलोचना करना है तो जनता की अदालत में सुना नहीं। मैंने उसमें कह दिया है जिन पुलिसकर्मियों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुलिस वाले इस प्रकार की घटना करके पूरे पुलिस विभाग को बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, गुंडे, माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में, दुनिया में जानी जाती है। लेकिन यह घटना निंदनीय है, उसके जो दोषी कार्रवाई की व्यापारी की पिटाई करी गई है, वायरल हो रही है, और जो गुंडे हैं वो अभी तक बचा हुआ है, पाताल के अंदर घुस के छिप जाएगा, तभी पुलिस निकाल। 4-5 दिनों में घटना का हो सकता है कि अभी न पकड़ पाए हो, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए, नहीं पत्रकारों की सुरक्षा भी और नागरिकों की सुरक्षा भी। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी निभाएंगे। कोई शिकायत हो, आपने मुझे अभी एप्लीकेशन दी, मैं उसको दिखा दूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ पहुंचे। मेरठ के सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम में उन्होंने मंडल की करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से बोलते हुए इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आसान है, लेकिन चुनाव में सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा अब की बार 300 पार का नारा देकर चुनाव में उतरेगी और 300 से ज़्यादा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में जनता जिताएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी।